एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मेड पे दोस्तों, कल हमने बात की थी कि ऋण पत्र का क्या मतलब होता है और ऋण पत्र और शेयर कैपिटल यानी अंश में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब डिबेंचर और शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, हमने ये जाना था। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। आज दोस्तों हम थोड़ा आगे चलेंगे इस चैप्टर में, आज हम बात करेंगे कुछ जनरल एंट्रीज की। तो आइए दोस्तों, यार टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, जैसे हमने शेयर कैपिटल पढ़ा था और उसका इशू करते हैं, जिस प्रकार से उसका इशू करते हैं और उसकी एंट्रीज करते हैं एज इट इज, सेम टू सेम एंट्रीज इसी में होती है। डिबेंचर में भी सेम टू सेम एंट्रीज होती है, केवल नाम का चेंज है। वहां पर हम लिखते थे इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल, यहां पर हम सीधा साधा क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स। ठीक है, तो वही वाली बात है कि डिबेंचर को देखो एट पार यानी सममूल्य पर भी इश्यू किया जा सकता है कि भैया 100 रुपए का है, 100 रुपए पर इश्यू कर दिया एट पार। ठीक है, डिबेंचर को डिस्काउंट पे भी इश्यू किया जा सकता है, 100 रुपए का है 95 पर इश्यू कर दिया एट डिस्काउंट, और डिबेंचर्स को प्रीमियम पर भी इश्यू किया जा सकता है। कैसे, 100 रुपए का है 110 पे इश्यू कर दिया तो वो प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से डिबेंचर्स को जैसे हम शेयर्स को कैश के लिए भी कर सकते हैं और कैश के अलावा भी रोकड़ के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के लिए, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। तो इसी प्रकार दोस्तों डिबेंचर को भी कैश के लिए भी हम इश्यू कर सकते हैं और कैश के अलावा भी किसी चीज के लिए इश्यू कर सकते हैं, और कंपनी की सिक्योरिटीज को रखकर भी इश्यू कर सकते हैं, सिक्योरिटीज के बदले भी इश्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार जैसे हम शेयर्स का जो पैसा है, मान लीजिए 100 रुपए का है, तो 100 रुपए को या तो हम पूरी राशि दो किस्तों में यानी एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे मांग लेते थे, या फिर हम फर्स्ट कॉल भी कर लेते थे, या फिर हम सेकंड कॉल भी कर लेते थे। तो उसी प्रकार दोस्तों डिबेंचर का भी पैसा जो है शुरू की दो किस्तों में यानी एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पर भी मांगा जा सकता है, और फर्स्ट कॉल पर भी मांगा जा सकता है और सेकेंड कॉल पर भी मांगा जा सकता है। नॉर्मली जो डिबेंचर्स का पैसा है नॉर्मली दो किस्तों में मांग लिया जाता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या थी कि एट पार जब हम इश्यू करेंगे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, यानी क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी। एकदम सिंपल है कि पहली जो कंडीशन है एट पार यानी सम मूल्य पर जब हम इश्यू करते हैं, सम मूल्य पर, सिंपल है। शेयर्स को याद करो क्या किया था हमने, जब एप्लीकेशन मनी आती है सबसे पहले क्या होगी, एप्लीकेशन मनी आएगी। जब भी जैसे ही हम मार्केट में इश्यू करेंगे सबसे पहले हम जो आवेदन का पैसा वो आता है ना, तो वो चीज है। तो एट पार और जब दो किस्तों में हम पैसा मांग रहे हो, ठीक है, एट पार, तो एट पार क्या होगी एंट्री, उसमें क्या करते हैं शेयर कैपिटल में, भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट, ये हम एंट्री करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन क्या डिफरेंस आया, केवल नाम का डिफरेंस है भैया, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल नाम का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हुई इसकी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होती है, बेसिकली दूसरी एंट्री, अब एप्लीकेशन का पैसा है वो हम उसमें ट्रांसफर करेंगे, किस में, उसके अकाउंट में, कैसे, डिबेंचर के अकाउंट में, कैसे, कि भैया डिबेंचर और अलॉटमेंट मनी के लिए डिबेंचर अकाउंट डेबिट वो सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये क्या किया हमने, एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जैसे शेयर एप्लीकेशन की मनी को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, तो वैसे भैया ये पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब ये तो हो गया हमारा कौन सा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये हमने डिबेंचर जो खाता था ना उसमें ट्रांसफर कर दिया पैसा। अब अगली चीज,
अगली चीज होगी हम अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट को ड्यू करना पड़ेगा, जैसे शेयर कैपिटल में शेयर्स को ड्यू करते थे, ड्यू करना पड़ेगा। अलॉटमेंट मनी मांगनी पड़ेगी हमें, बोले भैया आपकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है, हम आपको अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो आप अलॉटमेंट का पैसा दीजिए। ठीक है, तो ये दूसरी किस्त हो सकती है। जैसे कैसे ड्यू करेंगे, सिंपल है एकदम, कि डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सिंपल है, ये होगी ड्यू करने की एंट्री, ये हमने पैसा ड्यू कर दिया भैया, क्या कर दिया, ड्यू कर दिया भैया, अलॉटमेंट मनी दीजिए। अब अलॉटमेंट मनी दे हम ड्यू करेंगे तो अगला देगा अपने को, ठीक है, देगा तो क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, सिंपल। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, एकदम सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल है भाई, बैंक में पैसा आएगा अलॉटमेंट का, ये हमने अलॉटमेंट राशि ले ली। तो पहली एंट्री क्या, एप्लीकेशन आने की, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या, एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हम, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तीसरी एंट्री क्या, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की, भैया अलॉटमेंट हम आपको अलॉट कर रहे हैं तो अलॉट का पैसा दीजिए। दूसरी किस्त, यानी दूसरी किस्त का पैसा ड्यू करने की, ये ड्यू करने की एंट्री, ड्यू करने की एंट्री और ट्रांसफर करने की एंट्री ये सेम होती है ना। ये देखो यहां पर अपन ने क्या किया, बेसिकली देखो यहां पर क्या है, पैसा पहले आ गया और यहां पर पैसा ड्यू करने के बाद में आ रहा है। भाई एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है ना, पहले थोड़ी आप ड्यू कर दोगे, पहले एप्लीकेशन का पैसा आप मांगते हैं फिर किस्तें आप ड्यू करते हो। तो यहां पर अंतर यही है कि यहां पर बैंक का पहला ये पैसा पहले आ रहा है और फिर हमने ट्रांसफर किया है, तो यहां पर हमको ड्यू करना पड़ गया और फिर हमने हमारे पास पैसा आया। तो ये तो बात रही अलॉटमेंट तक की, यदि दो किस्तों में पैसा आता है तो। और इसके बाद भी और भी कंडीशन हो सकती है क्या, फर्स्ट कॉल पे भी हम मांग सकते हैं और सेकंड कॉल पे भी हम मांग सकते हैं। ये तो बात रही कहां तक की, अलॉटमेंट तक की, यदि राशियों को दो किस्तों में लिया जाता है। हाँ, और मान लो एक ही किस्तों में पैसा ले ले, दो किस्तों में भी नहीं ले, अलॉटमेंट भी नहीं ले, एक ही किस्त में पैसा ले ले, भैया एक साथ दे दो पैसा, तो उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी मैं दोस्तों बताता हूं केवल क्या डिफरेंस आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड जब एक ही किस्त में पैसा मांगे, सुन रहे ना आप ध्यान से, जब एक ही किस्त में आदमी पैसा मांगता है पूरा डिबेंचर का, भैया 100 रुपए है एक बार में मांग लिए, तो क्या होगा, पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ कर दिया अलॉटमेंट भी, एप्लीकेशन राशि मांग ली अलॉटमेंट की भी आ गई, अलॉटमेंट अकाउंट और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड यहां भी अलॉटमेंट आ जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जब एक ही किस्त में पैसा मांगे, जब दो किस्तों में पैसा मांगे तो अलॉटमेंट तक जाएगा, तब यहां पर हमें क्या लिखना, केवल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मनी एडजस्ट कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में, फिर अलॉटमेंट की राशि ड्यू कर देगा, अलॉटमेंट की मांग लेंगे। अब मान लो आप बोल रहे हो भैया पहली एक किस्त में मांगे तो हो गया, दो किस्त का हो गया, यदि तीन किस्तों में मांगे तो सिंपल है, तो क्या मांगेगा, फर्स्ट कॉल। अच्छा, फर्स्ट कॉल में क्या होगा, फर्स्ट कॉल में सिंपल सा होगा, यहां पर हम जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो ड्यू करने की सेम एंट्री, जैसे यहां पर हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, अब अलॉटमेंट की जगह क्या होगा, अलॉटमेंट की जगह क्या होगा, हम फर्स्ट कॉल लिख लेंगे। ये तो होगी अगली एंट्री बता रहा हूं मैं, ये यहां तक तो प्रोसेस वो चलेगी, इसके बाद जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे ना तो उसकी एंट्री बता रहा हूं, उसकी एंट्री क्या होगी कि डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ड्यू कर दिया भैया पहली किस्त, ये पहली मांग जो हमने ड्यू कर दी, और फिर पैसा आएगा इसका, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सिंपल है। जब तीन किस्तों में मांग ले, अच्छा चौथी किस्त में भी मांग सकता है, तो वो सेकंड कॉल हो जाएगी, ऐसे ही सेकंड कॉल ड्यू होगी,
मतलब जैसा हम शेयर कैपिटल में करते हुए आए हैं सेम वही प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया एट पार, जब हम करते हैं भैया 100 रुपए का है, 100 रुपए पर इश्यू कर दिया। अच्छा अगले यदि आगे हम चले हैं, तो भैया आगे चलते हैं। हाँ आगे चले तो क्या करें, एट पार नहीं एट डिस्काउंट करते हैं आप, एट डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट पर, बट्टे पर हम इश्यू कर रहे हैं। क्या मतलब, 100 रुपए का था 90 रुपए पर इश्यू कर दिया, तो क्या होगा, 90 रुपए पर इश्यू कर दिया तो डिस्काउंट पे इश्यू किया है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, पहले तो ये जानते हैं। मान लो अलॉटमेंट पर हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो देखो अलॉटमेंट पे दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि पहली एंट्री वही होगी एप्लीकेशन वाली, सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यहां तक सिंपल है। और अपन किस पे दे रहे हैं डिस्काउंट, अलॉटमेंट पे डिस्काउंट दे रहे हैं। मान लो 100 शेयर हैं और ये 100 रुपए का एक था, लेकिन हम 90 रुपए पर वो दे रहे हैं, 10 रुपए डिस्काउंट पे दे रहे हैं। और अलॉटमेंट पे हम राशि मांगते थे 30, जबकि डिस्काउंट के बाद कितनी मांग रहे हैं 20। अलॉटमेंट पे राशि है 30 की, 10 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी, सिंपल पहले डू करेंगे। देखो क्या होगी एंट्री, डिबेंचर, हाँ डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये चीज हो जाएगी, यहां पर क्या करना है हमें, हमारे लिए खर्चा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, केवल ये डिस्काउंट का ये ट्रीटमेंट होगा। अब अमाउंट कितना कितना आएगा, जैसे 30 रुपए मांग रहे थे, 100 रुपए का एक शेयर था, तो भैया 20 ही आ रहा है, 10 रुपए डिस्काउंट जा रहा है, यानी 100 गुना 20 2000 तो इसमें आ जाएगा, और भैया 10 का डिस्काउंट है तो 100 गुना 10 1000 रुपए इसमें आ जाएगा, ठीक है 1000 रुपए। यहां टोटल कितना आ जाएगा 3000 रुपए। ये हो गया डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। अब एक चीज जो बात नोट करने वाली है वो ये है दोस्तों कि इसका करें क्या, ये हमारा डिस्काउंट है ये क्या है हमारे लिए, ये भैया हमारे लिए एक लॉस है, कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत हानि है। और उसको कहां शो किया जाता है, किसमें, असेट्स में शो किया जाता है, ठीक है। अच्छा इसको असेट्स में शो करते हैं, और इसको यदि हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है, तो उसमें से हम इसको क्या राइट ऑफ कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा यदि हम एक साल तक राइट ऑफ कर देते हैं, एक साल तक, देखो एक साल तक तो इसको कहां रखेंगे, बैलेंस शीट में, ये जो डिस्काउंट हमने दिया है इसको हम रख सकते हैं अदर करंट असेट्स में, एक साल तक, यदि एक साल तक राइट ऑफ कर देते हैं तो हट जाएगी है। अगर राइट ऑफ नहीं करते हैं, सुनना ध्यान से, अगर इसको राइट ऑफ नहीं करते एक साल के अंदर, तो हम फिर इसको किस नाम से शो करेंगे, अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर हमने राइट ऑफ कर दिया तो वो किस में आ रही थी, अदर करंट असेट्स में, जब तक हमारे पास थी। अगर राइट ऑफ नहीं किया 12 महीने के बाद भी, तो अदर नॉन करंट असेट्स में हम लिख देंगे। और राइट ऑफ कहीं से कर सकते हैं, यदि हमारे पास कोई रिजर्व पड़ा है तो कर सकते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है उसमें से हम राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से राइट ऑफ कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई रिजर्व बना होता है तो उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ की क्या एंट्री होगी वो भी आपको देख लो, राइट ऑफ जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट
या फिर अगर प्रीमियम रिजर्व अगर ये नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स सॉरी डिबेंचर्स। ये राइट ऑफ करने की एंट्री बता दी, शो करने का मैं बता दिया आपको, बता चुका हूं दो बार, ठीक है। ये राइट ऑफ करने की एंट्री को शो कैसे किया जाएगा मैं आपको बता चुका हूं। तो ये तो भैया पूरा हुआ किसका मेथड, डिस्काउंट। हाँ, तो डिस्काउंट का आपने पढ़ा, और अब दोस्तों हम पढ़ते हैं एट प्रीमियम यानी अधिक मूल्य पर। मतलब 100 रुपए का शेयर था, 110 पे इश्यू कर दें तो वो कहलाता है प्रीमियम पर इश्यू। अच्छा, अब उसका क्या ट्रीटमेंट, उसका भी एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है। क्या है, मान लो एप्लीकेशन का एंट्री वही, अलॉटमेंट पे हम प्रीमियम दे रहे हैं, उसकी क्या एंट्री होगी आइए देखते हैं। तो क्या होगा, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पर फिर हमने डिस्काउंट लिख दिया था पिछली वाली एंट्री में, जब हमने डिस्काउंट पे इश्यू किए थे वो खर्चा था हमारा, लेकिन यहां पर ये तो हमारी आय है ना, ज्यादा इनकम ज्यादा हो रही है, 100 रुपए का था हम 110 पे दे रहे हैं, प्रीमियम पर दे रहे हैं, ज्यादा रेट पे दे रहे हैं, तो भैया वो खर्चा नहीं है, हमारी इनकम है, ठीक है। तो यहां पर आएगी वो क्रेडिट साइड में, क्या, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट। मान लो 100 शेयर थे हमारे पास और अलॉटमेंट पे राशि मांग रहे 30 रुपए और 10 रुपए प्रीमियम भी मांग रहे, यानी 40 रुपए हम टोटल मांग रहे। तो भैया डिबेंचर अलॉटमेंट पे कितनी राशि आ रही है टोटल, कितनी राशि ड्यू कर रहे हैं, 40 रुपए के हिसाब से 100 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4000। अच्छा, डिबेंचर अकाउंट में कितनी जाएगी जो एक्चुअल है, एक्चुअल कितनी है 30 के हिसाब से, यानी उसमें एक्चुअल जाएगी कितनी 3000 रुपए, 100 के हिसाब से 3000 रुपए 30 के हिसाब से, ठीक है। प्रीमियम में कितनी जाएगी, 10 रुपए का प्रीमियम है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ये कितनी होगी 1000 रुपए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का। और इसको कहां शो किया जाता है दोस्तों, बैलेंस शीट में जो रिजर्व और सरप्लस होता है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें इसको शो किया जाता है। तो ये दोस्तों आपकी प्रीमियम पर इशू करने की कहानी भी खत्म हुई है। सममूल्य पढ़ लिया, एट पार पढ़ लिया, एट डिस्काउंट पढ़ लिया और एट प्रीमियम हमने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और समझ में आया होगा, इसके आगे भी चलेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, रटोगे नहीं तो बहुत अच्छा है, आ जाएगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगे और आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो वीडियो यदि दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।